सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश। जो परमेश्वर के दास का आदर कर रहे थे, आपके बच्चे आपका डबल आदर करें यीशु के नाम में। आपकी फैमिलियों में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये भाई बता रहे हैं 11 साल से इनके पास बेटा नहीं था, चर्च आए, आपसे स्पेशल ले हैं, प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, 11 साल के बाद बेटा हुआ है। मेरे सोने नासरिया, मैनू भी सोना बना दे। मेरे सोने नासरिया, मैनू भी सोना बना दे। बोलो हालेलुया। हाँ, माइक करो। शाबाश। कहाँ से आए बेटे? नाबा से आए हैं। नाबा से? हाँ जी। कब से नहीं था बच्चा? 11 साल से। देखो, 11 साल थोड़े नहीं होते। इधर कर देना, साउंड किधर है। 11 साल कोई बच्चा नहीं था? नहीं, पहले बेटी थी, उससे बाद परमेश्वर ने बेटा दिया। उसके बाद मतलब कितने साल के बाद बच्चा हुआ? पहले 4 साल बाद बेटी हुई, अब 11 साल बाद बेटा हुआ है। हाँ, तो यही मैं पूछ रहा हूँ ना, मतलब 11 साल हो गए, उसके बाद आपने कोई दवाई नहीं खाई, प्रेग्नेंट नहीं हुए आप? नहीं है? कोई आशीष नहीं मिला? नहीं। और अभी कैसे मिली आशीष? उधर देखो उस कैमरे में, उसमें देखो। हाँ, मैं यहाँ पे फ्री ले हैंड करवा के गई थी, मुझे आप सपने में दिखे कि परमेश्वर आपको बेटा देने जा रहा है, हाथ रखो पेट पे। हाँ। तो मुझे परमेश्वर ने बेटा ही दिया। पेट पे हाथ रखा आपने? हाँ जी। और फ्री ले हैंड कराई थी आपने? हाँ जी। देखो, आज आपके सामने परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। ये देखो कितनी औरतें मैंने, लेडीज आगे बिठाई हैं, इनकी गिनती करूं तो मैं थक जाऊंगा। ओ, वहां तक है, हजारों लेडीज ऐसी हैं, 100-300-400 लेडीज ऐसी बैठी हैं जिनके पास बच्चा नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना, ऐसे ही आपको आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हां जी, हां जी, हां जी, शाबाश। हालेलुया। प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत गवाही है। एक साल से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, रिफ्यूजल आया, जैसे स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई, परमेश्वर ने यूके वीजा के साथ ब्लेस किया। कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो। हाँ हाँ, सुनेंगे। शाबाश। कहाँ से आए बेटे? बोकारो, झारखंड। हाँ जुनो, कैसे मिली आशीष ये? क्या कर रहा माइक का तू? चक्कर आते घंटे से लगा हुआ है, मेरी शांति भंग कर रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताओ। मैं स्पेशल ले एंड प्रेयर कराया। स्पेशल ले एंड प्रेयर कराया, कहाँ, क्या आशीष मिली बताओ ना। यूके वीजा का, वीजा ऑफिस, यूके का वीजे की आशीष मिली जी। यार बता, तुझे मिल गई है तो पहुंच भी जाएगा सही ढंग से जी। खरत जी, इसका विश्वास है, ताड़ी बुझाओ। शाबाश। हालेलुया। हाँ हाँ, कैसे, मतलब आपने प्रेयर कराई थी या अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया था? प्रेयर कराई थी। किससे? आपसे, स्पेशल प्रेयर, स्पेशल ले हैंड प्रेयर, स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर कराई थी। और आप देख लो, यीशु मसीह ऐसा का भी काम बना देता है जिसको कुछ नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं आता इसको, लेकिन इसके इंग्लैंड का वीजा लगा दिया रब ने। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहन बता रही है 12 साल से इसके बच्चेदानी में गांठ थी और बहुत प्रॉब्लम में थी। जब ये चर्च में आई, इसने विश्वास के साथ एनेंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया, और ये बहन बता रही है कि इसको सामर्थ महसूस हुई और ये आजाद हो चुकी है, इसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है। हाँ बेटे, गवाही देंगे अपनी फटाफट। जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी यही गवाही है, मैं 12 साल से बहुत परेशान थी, बहुत जगह गई, मैं ठीक नहीं हूँ। जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कीम भी हुआ, उसमें बोले कि वो बच्चेदानी में गांठ है, जब से ऑपरेशन नहीं किया जाएगा ठीक नहीं होगा। मैं सन 2022 में यहाँ आई थी, वही एंट्री वाटर ले गई थी, यूज की, मैं आजाद हो गई हूँ। हालेलुया, जय मसीह। जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ, चलते रहो, चलते रहो, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या प्रॉब्लम थी बेटे आपको? जय मसीह की, पापा जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? 12 साल से यूट्रस में गांठ था। 12 साल से यूट्रस में गांठे थी, जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता। पता कितना शादी नहीं हुई।
नहीं नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। अगर डॉक्टर से पूछो अगर जिसके बच्चेदानी में गांठ या सिस्ट कोई होगा तो उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो वो कंसीव कर पाएगी, बच्चा तब होगा। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बहनें हैं जिनके पास बांझ हैं, जो अगर आपको यहाँ से एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेने के बाद प्रार्थना कराने के बाद गिल्टियाँ गांठें गायब होगी आपके यूट्रस में से, तो आप समझदार हैं, आपको जल्दी बेटे की आशीष मिलने वाली है यीशु के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट हालेलुया। प्रोफेसी लाइन लगी है, सालों साल से बता रहे बेबी बॉय नहीं था, विश्वास के साथ चर्च में आए, स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई, प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया यार। देखो आपके सामने ये लेडीज जो आगे बैठी हैं उनको दिखाने के लिए यहाँ पर आपके सामने इतनी सारी लाइन हर संडे लगी होती है, हर संडे, हर हफ्ते। मैं भी कहता हूँ परमेश्वर हर हफ्ते इतनी सारी औरतें कैसी आ जाती हैं। ओ लेकिन बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं आपके सामने, गवाही हैं। देखो पाँच साल से, कितने साल से बेटा नहीं था, पाँच साल से। कैसे कैसे मिली आशीष बच्चे की? 2 अप्रैल को आप 2023 में प्रोफेसी कर रहे थे, तो हम लोगों ने रिसीव किया ऑनलाइन, लेके गए यहाँ से ऑटर ऑयल को भी यूज किया और आपके प्रोफेसी की रिसीव करने से बच्चे की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ इनको भी, इनकी बेटी को, आपकी बेटी को, 4 साल से बच्चा नहीं था और मैंने ईश्वर से पापा जी का ये आशीर्वाद का ऑयल वाटर पिलाया और बच्चा हो गया और डिलीवरी के इसमें उसको खून नहीं था, उसको नॉर्मल हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। 2-4 साल से कहाँ से आए आप? हम तो महाराष्ट्र से आ गए और उसके बच्चे को। सुनो नेक्स्ट 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 2 साल से बेटा नहीं था, परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था आपने? तेल पानी लिया था, चलो तेल पानी सही। हाँ नेक्स्ट 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 2 साल से आपके पास बच्चा नहीं था। हाँ कहाँ से आए आप? यूपी प्रयागराज से। प्रयागराज से, और अभी गुड न्यूज है, बच्चे के साथ आया। नेक्स्ट नेक्स्ट 6 यूट्रस में सिस्ट की प्रॉब्लम थी, कैसे मिली आशीष? मैंने गोल्ड बीज बोया, हाँ मुझे बच्चे की आशीष मिली, गांठ हट गई। गांठ हट गई, बच्चे की भी आशीष मिला, स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया था आपने। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। 11 साल से बेटा नहीं था और ये बता रही है कि एप्पल मीटिंग में आई। मैं उन औरतों के लिए सुना रहा हूँ ये गवाही, हालेलुया। एप्पल मीटिंग में आई और गुड न्यूज के साथ खड़ी है यहाँ पर यीशु के नाम में। परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया। 11 साल से बेटा नहीं था जी पापा जी, जय मसीह की। 11 साल से मैं पूछ रहा हूँ जी पापा जी, कौन सी मीटिंग में आए थे आप? एप्पल मीटिंग में। एप्पल खाया आपने और उसके बाद बेटे की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। 3 साल से बेटा नहीं था। हाँ बताएंगे कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। 3 साल से बेटा नहीं था और अभी क्या आशीष मिली? बेटे की आशीष मिली। बेटे की आशीष मिली, कैसे मिली वो आशीष? ऑनलाइन प्रोफेसी, ऑनलाइन सुन रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ जिनके पास बच्चा नहीं है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिनके नाम GNRSPYD से L से, गुड न्यूज है आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। 7 साल से वो मेरा ड्राइवर खड़ा हूँ उधर और उससे पूछ लो, हाथ उठा ड्राइवर। सो इसके 2 बेटियाँ थी और जब ये इस चर्च में आया मैंने कहा जा तेरे को बेटा होगा, अब इसको भी बेटा हो गया यीशु के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। 7 साल से बेटा नहीं था, फ्री ले हैंड प्रे कराया आपने, बेटे की आशीष मिला। 6 साल से आपको बेटा नहीं था, कितने साल से? 6 साल से लाइव टाइम कम है, देखो 6 साल से बच्चा नहीं था। आप प्रेग्नेंट हैं? कौन है प्रेग्नेंट? टाइम ना जी इनको। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ बेटा हो गया कि नहीं? बेटा हो गया। जोर से तारीफ करो, शाबाश। कैसे हुआ बेटा? एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था या प्रेयर कराई थी? रुमाल लेकर गए थे। रुमाल लेकर गए, पेट पर लगाया, गुड न्यूज मिला। 7 साल से बेटा नहीं था आपको, कितने साल से? 7 साल। कहाँ से आया? रावली से आया। 7 साल से बेटा मांग रहे थे जी। तो परमेश्वर ने दिया कि नहीं? जी दिया है। कैसे दिया? ऑनलाइन मीटिंग देते, ऑनलाइन रिसीव किया। बेटे की आशीष ऊपर उठाओ, शाबाश। 3 साल के बाद, 8 साल के बाद, बेटे कहाँ से आए आप? स्पेशल लैंड प्रे कराई थी आपने? हाँ मुँह से बताओ अपने। यस पापा, स्पेशल लैंड प्रे कराई थी। हाँ कितने साल से? 8 साल से नहीं था। हाँ 2022 में ईस्टर के दिन स्पेशल एंड प्रे कराई। फिर क्या आशीष मिली? बेटे की आशीष मिली। मैं फिर कह रहा हूँ स्पेशल एंड प्रे कराने के बाद बेटे जल्दी मिल जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। करे के बहुत सारी लाइन लगी है। हाँ उंगली हटाओ यहाँ से। 10 साल से बेटा नहीं था, कहाँ से आए बेटे? यूपी से।
और क्या बताया था डॉक्टर ने? बेटा होने के बाद में दिक्कत थी, हार्ट में बताया दिक्कत, हार्ट में दिक्कत बताई थी। फिर दोबारा जो है ऑयल और वो लगाया, हाँ अब जो है बिल्कुल ठीक, सारी रिपोर्ट ओके, एक हफ्ते में सारी रिपोर्ट ओके ही है सब। सुनो सुनो सुनो, वो छोड़ो, देखो आप प्रभु की महिमा करने आए हो, पहले महिमा करो, दूसरी गवाही वो खुद बनाएगा। आप सुनो, देखो ये बता रही है कि इसके पास, इस भाई के पास के बच्चा नहीं था, 10 साल से बेटा नहीं था, बेटा मिला, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, फिर उसको दिल में सुराख हो गया, दिल में सुराख हो गया है, डॉक्टर ने बताया, डॉक्टरों ने बताया, ये रिपोर्ट है इसके पास कि पहले वाली भी हो रही है, वाली भी करे, दिल में सुराख था, बच्चा इधर करो शाबाश, और इसी समय बताने के अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, उसके बाद दोबारा चेक कराया, सुराख भाग गया, बंद हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम, हालेलुया। कह रहे दिल का सुराख बंद हो गया, आपकी ताड़ियां कम है चर्च, मेरा जोश कम नहीं, आपकी ताड़ियां कम है 18 साल के बाद। हाँ 18 साल के बाद, कितने साल के बाद? 18 साल के बाद सलमान खान पैदा हुआ तेरे घर में? हाँ जी। देखो टोपी लगा के आया बाबू भाई बन के, चर्च में आने से हमें चर्च में आने से मिली, बेटे की आशीष हाँ मिली। कितने साल बाद? 18 साल बाद। कहाँ से आई तू? लुधियाना से। जोर से तारीफ करो शाबाश, हालेलुया। 12 साल के बाद बेटे की आशीष मिली, कहाँ से आई बहन? हम भवानीगढ़ से आए पास्टर। भवानीगढ़ हरियाणा? नहीं सर, पंजाब। पंजाब भिवानीगढ़ किधर है? पटियाले से आ गया सर। पटियाले से आके? हाँ जी पास्टर। हाँ कैसे मिली बताओ शाबाश। हम मेरे को, मैंने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगाया था, मेरे सिस्टम में ना ओवरी में स्टेस्ट थी, और मतलब मैंने ऑपरेशन भी करवाया, निकली नहीं थी वो, मैं प्रार्थना करके ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लगा के पड़ी, और फिर वो अपने आप निकल गई, और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन रिसीव किया। देखो 12 साल से बेटा नहीं था, और उल्टे इनके बच्चेदानी में गांठे भी थी, इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और ऑनलाइन रिसीव किया, और आज चमत्कार हो गया, बेटे के साथ आए हैं, तारीफ करो। 4 साल 6 साल उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, पकड़ के, ओए ओए ओए, पकड़ के रखना, आगे को आजा, आगे को लाओ उसको, ध्यान से ये, ए इसका कांड देख, प्रेग्नेंट है ये, बच्चा हुआ नहीं इसको भी, दिखा दे, इधर देखो, पकड़ इसका, पकड़ के रख। 6 साल से इसके पास कोई बेटा नहीं था, कितने साल से बेटा नहीं था? 6 साल से, और अभी 3 महीने से कंसीव कर लिया इसने, इसको इसने स्पेशल ले एंड प्रे कराया था बीज बोकर। yes. और देखो शैतान कैसे तंग कर रहा है इसको, कर रहा है कि नहीं? आगे को ला इसको, जरा शैतान को काट ले आ भाई, देखो इसको, अगर मैंने इसकी प्रेयर नहीं करी तो उसको, इसके बच्चे को गिरा सकता है वो, समझ रहे कि नहीं? आप सुनो ध्यान से, अभी इसको बच्चा नहीं होने देगी है? जब एक बार प्रार्थना करा के फिर कैसे हो गया, अब ये दूसरी बार भी कराएगी? नहीं दूसरी बार इसका पति अंधा है तो फिर पकड़ के रख, पकड़ के रख, पकड़ के रख, गिरने नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट है, यीशु के नाम में छोड़ दे यीशु के नाम में, मैं इसी से मैं उस दुष्ट को बांध देता हूं इसके गर्भ से, और इसको सुरक्षित करता हूं प्रभु, जब तक बच्चा ना हो ये दुष्ट बंधा रहे, और जिस दिन बच्चा हो दुष्ट भी भाग जाए इसके अंदर से, यीशु के नाम में फ्री, आमीन। खड़ी हो जा चंपा, खड़ी हो जा चमेली, चल। हाँ देखो 4 साल से 3 साल से खड़े करो चमेली को, हाँ उठो बेटे, पकड़ के हाथ पकड़ के खड़ा करो, शाबाश। हाँ देखो 4 साल से आप कहाँ से हैं? मुरादाबाद, यूपी। मुरादाबाद से 4 साल से आपके पास बच्चा नहीं था, 4 साल से प्रोफेसी को सुना, बेटे की आशीष मिली, 3 साल से 8 साल से और अभी प्रेग्नेंट है आप, आगे को आ जाओ तू भी। हाँ शाबाश। सभी कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, मैं यूपी से आई हूँ प्रयागराज से, और मैं प्रभु की विश्वासी 4-6 साल से हूँ, हमें प्रभु में आने के बाद, छोड़ो छोड़ो, वो मैं ये कह रहा हूँ, 8 साल से आपके पास बच्चा नहीं था जी पापा, आप जब यहाँ पर आए चर्च में जी पापा, आपने प्रोफेसी को सुना,
और अभी आप प्रेग्नेंट हो, कौन सा महीना चल रहा है? सातवां महीना चल रहा है पापा जी। खुशखबरी आने वाली यीशु के नाम में, हालेलुया, आमीन। ये क्या, 8 साल पहले लिख दिया बेबी? बेटा पहले लिख दिया? चलो बेटा ही मिलेगा तुझे यीशु के नाम में। अपने हाथ उठाओ, अपने सिर पे हाथ रख लो, शाबाश। बहुत सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद। मैं देख रहा था कि इस बहन को देखो लाइन लगी हुई है, बेटे 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 की आशीष मिली है। देखा इधर से लाइन दिखा, शाबाश, बेटे ही बेटे की आशीष मिली है। सारे बोलो हालेलुया। देखो ओ ये पवित्र आत्मा की ओर और अभी इसी समय प्रभु का आत्मा छुए। जिसके पास बच्चे हुए आ जाओ ऊपर, उठाओ कंधे पर लेकर आओ अपने बच्चे। चलो फोटो खिंचाओ मेरे साथ, जल्दी करो जल्दी करो, कंधे पर लेकर आना, कंधे पर। फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, शाबाश। ऊपर करो, ऊपर ऊपर करो, अच्छा से ऊपर ऊपर ऊपर। एक फोटो ले ले भाई, आजा आजा। ओ ऐसी आम दीवाने नहीं यीशु दे दीवाने यार, हालेलुया। आम दीवाने नहीं यीशु दे दीवाने यार, ओ देले जी बोलो हालेलुया, ओ देले जीना मैं। आप सब जाएं अपने स्थान पर बैठ जाएं, शाबाश। देखो आपके साथ फोटो खिंचाइए, चलो चलो जाओ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। देखो आपके सामने हर संडे कितने सारे लोगों को बच्चों की आशीष मिलती है, मिलती है कि नहीं? हाँ कि ना? अगले हफ्ते आपका नंबर होगा यीशु मसीह का नाम। हाँ हाँ हाँ, दिखा जरा इधर, दिखा फटाफट गवाही के साथ। हाँ जल्दी जल्दी, एक लास्ट गवाही लेंगे, ऊपर उठाओ अपने कार्ड जिसकी गवाही है, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, यू हाँ, बोलो बोलो बोलो। हालेलुया, प्रभु जी बहन बता रहे हैं काफी समय से यूट्रस में बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी, ट्यूमर की गांठें हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि डॉक्टर ने ट्यूमर बताया था, डॉक्टर ने कहा था यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। और जब चर्च आए स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए ट्यूमर खत्म हो गया। ग्लोरी टू जीसस। सुनो, अगर कोई बीमार है यहाँ पर एक दूसरे को उंगली करके बोलो बोलो घबराई ना। आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या है जिससे आप बहुत घबराए हुए हैं, उसकी तरफ देख के बोलो घबराई ना, डरी जाई ना, घबराई ना, डरी जाई ना, ओदे आपदा ओदे वे गबो टाल टाल टाल, जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, गवाही लेंगे इसकी, शाबाश। हाँ बेटे बताएंगे। हालेलुया। हाँ हम यहाँ पे आया और अरे पहले ये बता क्या बताया था डॉक्टर ने? गांठ होती पेट में, गांठ क्या बताया था? तो ट्यूमर है, ट्यूमर वाली गांठ है। हाँ वो कैंसर बताए। अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ? ओके तो वो बताई, तो मैंने जांच करवाए और ऑपरेशन भी कर दी, तो गांठ गायब हो गई। देख लो पंजाब में आके बोल रही है मैंने अरदास कराए, यही बोला इसने, अरदास कराए और कह रही की प्रार्थना कराई और वो ट्यूमर वाली कैंसर वाली गिल्टियां गांठें गायब होगी यीशु मसीह के नाम में। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, ओ दे आप दे वे गबो, मैं जिथे जावां ते तू मेरे नाल। बोलो घबराई ना, आपके अंदर है विश्वास, ऊपर उठाऊं। देखो नशे नशे इनके बच्चों ने टॉप किया और देखो गोल्ड मेडल जीत के लाया, हमने तो कभी देखा भी नहीं, कभी गोल्ड मेडल कैसा हो, ट्रॉफियां आज ही मिली है बेटे, आज ही मिली है। कहां से आए? कुरुक्षेत्र से। शाबाश, जोर से तारीफ करो। बवासीर का प्रॉब्लम था 8 साल से, थायराइड था आपको, रिपोर्टों के साथ आए, फिट्स पड़ते थे, पीछे खड़े हैं फिट्स, और थायराइड था, गिल्टियां थी, सैलरी इंक्रीज हो गया, शाबाश। कोर्ट में केस चल रहा था, बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं, एक्टिवा चंड कहां से आया? जम्मू से, चंडीगढ़ से। अबे चंडीगढ़ से बोल, चंडीगढ़ से पापा, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से आया, कोर्ट केस आजाद हो गया। स्पेशल अपॉइंटमेंट ली थी पापा जी से, तो पापा जी ने बोला कि तेरी लाइफ चेंज होने वाली है। जैसे मैं पापा जी, मेरी टिकट थी जम्मू की, तो मैंने वो कैंसिल करके पापा जी से मीटिंग अटेंड की, तो उसके बाद मेरी 30 तारीख मेरी तारीख पड़ी, तो उसके बाद मेरा कोर्ट केस खत्म हो गया। 8 साल से मेरा केस खत्म हो गया, स्पेशल अपॉइंटमेंट था 8 साल से। देखो आपके सामने यहाँ पर कितने सारे लोग थे और यहाँ पर 8 साल से केस चल रहा था और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। बेटे की भी आशीष मिला, 5 साल के बाद तू का छिपा हुआ था, हार्ट में प्रॉब्लम था, आजाद हो गया, और इसी समय करे के घर मिला, दुष्ट से आजाद हुए, नशे से आजाद हुए। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे,
परमेश्वर का आत्मा छुए, जो वचन का आदर करें परमेश्वर उसको बहुत सारा आदर दिलाएं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें, इन गवाहियों के लिए सिर पे हाथ रखो, शाबाश, इसका दान दशमांश ले ले, कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने सुंदर गवाहियाँ दी हैं पवित्र आत्मा जी, जो गवाही देने के लिए हिम्मत करके पिता परमेश्वर अपने घर से निकले, मेरे प्रभु आज एंजल इनके लिए निकले डबल गवाहियां बनाने के लिए। आमीन। आमीन बोलने वाले डबल गवाहियां देखें परमेश्वर। आमीन। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर जरूर आएगा आज। यस। ये खाली हाथ नहीं रहेंगे परमेश्वर। Yes. मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तूने सच में परमेश्वर हर एक जन को यहाँ पर आज छुटकारे देने के लिए बुलाया परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने बीज बोया, जिन्होंने बीज नहीं बोया वो बीज बोए, जिन्होंने बीज बोए जो बोना चाहते हैं, कोई बेस्ट नौकरी, बेस्ट जॉब, बेस्ट आशीष चाहते हैं अपनी मुट्ठी में, अभी इसी समय कोई स्पेशल बीज पकड़े, देखो मिराकल होगा। क्या आप विश्वास करते हैं मेरी बात पर? पकड़ो इसी समय, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। और बोने वालों को परमेश्वर बीज देता है, खाने वाले को रोटी देता है। बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को रोटी देता है। परमेश्वर खाने वाले को कभी बीज नहीं देगा। इसका मतलब बीज वो होता है कि परमेश्वर जो बीज फले और बहुत सारा पैसा आए, फैक्ट्री बने, बड़े बड़े काम हल हों, कहता है परमेश्वर वो बीज आपको देगा जो आप पूरी दुनिया में बोएं। आप बहुत सारे किले में बो सकते हैं, बहुत सारी कितनी भी जमीन में बो सकते हैं, आप 100 किले में बीज बो सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको दूर तक भी आपका कुनबा बहुत बड़ा है, इतना देगा आज के बाद परमेश्वर आपको, आप थकेंगे नहीं उन्हें खिलाते खिलाते, याद रखना। आमीन। बरकत आएगी आज से बोने वालों के ऊपर। पवित्र आत्मा जो बो रहे हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय जिन्होंने बोया, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, जम्मू से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर कर्नाटक से, हैदराबाद से, गुजरात से, इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, मेरे प्रभु दिल्ली, हरियाणा, और इसी समय पवित्र आत्मा जी चंडीगढ़ से जो बो रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके आज से आकाश के झरोखे खुल जाएं, इनके खत्ते भरे पूरे रहें, आमीन, इनके दाखरस उमड़ते रहें, इनके घर में तेल की कुपियां समाप्त ना हो परमेश्वर, आमीन, इनका बैंक बैलेंस बढ़े, इनके नुकसान होने बंद हो जाएं, बरकतें आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन्होंने गुप्त बोया है पवित्र आत्मा ने गुप्त आशीष मिले, आमीन, मेरे प्रभु जिन्होंने खुलकर बोया उन्हें खुलकर आशीष मिले। यस, आमीन। पवित्र आत्मा बोने वाला आज यहाँ से आशीषों को लेकर जाए, आमीन, यीशु मसीह के नाम में। यस। बोलो आमीन। आमीन। आपको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मिले। एक बहन ने बोला पादरी साहब अब हम आपके चर्च में नहीं आएंगे। मैंने कहा वाय, बोले कि आपके वॉलंटियर बदतमीजी करते हैं। मैंने कहा बस 2 महीने की बात रह गई है। कह रहे क्यों? मैंने कहा देखो आपकी दोस्ती मेरे साथ है, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ, मैंने कहा मेरे इन लोगों के साथ नहीं है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, सुन रहे हैं, कहता कि तुम मेरे दास नहीं जो उसकी सेवा करते हैं, जो सेवा की भावना से आते हैं, कहता तुम मेरे दास नहीं, अब मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा। जो इस बात को लेकर आते हैं कि चाहे कोई कुछ कहे लेकिन आप फिर भी आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आज से कह रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए तैयार है। वो अपना मित्र कहता है कि दोस्त दोस्त की हेल्प करता है, सुन रहे हो, दोस्त दोस्त की हेल्प करने के लिए जाता है। आधी रात को अगर जरूरत पड़े तो आप किसके पास जाते हो? अपनी सहेली के पास जाते हो कि नहीं? आपकी सास मना कर देगी, रिश्तेदार मना कर देंगे, लेकिन दोस्त रात को उठ कर आएगा, उसकी पत्नी उसको कहेगी कहाँ जा रहा है बेवड़े बेटा, लेकिन वो फिर भी जाएगा, कहेगा उसको चिंता रहेगी यार मेरा दोस्त आया है मुझे उसकी मदद करना है, क्या बात है इतनी रात को क्यों आया है, समझ रहे कि नहीं? कोई आपके लिए इतनी रात को उठ के आए ना आए चर्च, लेकिन मेरा यीशु उठ कर आएगा आज रात, आमीन, वो आपका सच्चा दोस्त है। आपको इस तरीके से आना चर्च में, समझ रहे कि नहीं? आप अगर मुझे देख कर आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, आपको यीशु को देख कर आना है। लेकिन हाँ, कह रहा कि उसके मित्र, उसका मित्र हम है, तो हमारे द्वारा ही आशीष मिलनी है। आप मेरा आदर करेंगे, प्रभु आपका आदर करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। वचन की सेवकाई में जाएंगे आज, अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जी आज का वचन लोगों की जिंदगियों में 100 गुना 100 गुना 100 गुना, सारे बोलो 100 गुना।
कितने गुना चाहिए आज? 100 गुना। कितने को 30 गुना चाहिए आज? वो हाथ हिला दो जरा, 30 गुना जिनको चाहिए। हाँ परमेश्वर इधर स्वर्गदूत भेज दे। 60 गुना जिसको चाहिए हाथ हिलाओ, शाबाश। हाँ इधर भी भेज दे। 100 गुना जिसको चाहिए हाथ हिलाओ, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आपको 100 गुना मिले, 100 गुना। यस, डब्बी नहीं बना रहा बंदर। हाँ कैमरा इधर मारा करना। 100 गुना मैंने हाथ किस लिए हिलवाए? 100 गुना आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं 100 गुना लेने के लिए? यस। 100 गुना होता क्या है? सुनो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ 100 गुने का, कि आपके घर में एक आदमी को नौकरी मिल गया और आप इतने में संतुष्ट हो गए। लेकिन नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके घर में एक आदमी को नौकरी मिल गया आप संतुष्ट हो गए? नहीं। परमेश्वर जब चमत्कार करता है तो पूरे कुणबे के साथ ही चमत्कार करता है। यस, विश्वास करना, आपके घराने में एक भी गरीब नहीं रहेगा आज के बाद। आमेन। एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा चर्च। आमेन। क्या आप बिलीव करते हैं इस बात पर? यस। हाँ या ना? ये नहीं मुझे पता, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी, कहते कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन परमेश्वर आज आपको समझा रहा है। Yes. आप लोग आशीष पाएंगे। देखो Amen. मैं किसी के पास भी जा सकता हूं। हाँ ये आपके बाजू वाला, बाजू वाला। यस, स्टैंड अप, माइक लेके जाओ दौड़ के भाई।